नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हुए यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 और 20 पे। आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ रहेगी। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है उन सभी भाइयों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से यमुना अथॉरिटी के अंदर जो अपने लिए प्लॉट्स लेना चाहते थे या अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ पर और यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए आ रहे थे कि कब वो स्कीम निकलेगी, हम अपना आवेदन दे पाएंगे। तो मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, वो स्कीम यमुना प्राधिकरण ने निकाल दी है और जो हमारी उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स निकाले गए हैं यहाँ पे। और जो ये प्लॉट्स आ रहे हैं यमुना प्राधिकरण में, ये सभी वर्ग के प्लॉट यमुना प्राधिकरण ने दिए हैं और बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है उन सभी भाइयों के लिए जो यहाँ पर चाह रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपने लिए आशियाना लेंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा यमुना प्राधिकरण ने दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा तोहफा ये यमुना प्राधिकरण की तरफ से उन सभी भाइयों को ये दिया गया है, तो मैं आपको सारी चीज़ क्लियर पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या स्कीम्स आई हैं और किस तरह के साइज़ यहाँ पे आए हैं, कितने प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो ये प्लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और धनौरी वेटलैंड जो है उसके पास आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको हर सेक्टर के अंदर जो हमारी उम्मीद थी, जैसा यमुना प्राधिकरण की तरफ से पहले न्यूज़ निकल के आ रही थी कि लगभग 326 प्लॉटों की स्कीम आएगी, मगर अब जब मौके पे एडवर्टाइजमेंट आई है और यूपी रेरा से जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ है और ये जब एडवर्टाइजमेंट आई तो इसमें आपको हर तरह के प्लॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो प्लॉट की स्कीम आई है वो 477 प्लॉट्स की स्कीम निकाली यमुना प्राधिकरण की तरफ से। इसमें आपको जो साइज़ आपको देखने को मिलेंगे वो सबसे छोटा साइज़ आपको 60 स्क्वायर मीटर का देखने को मिल रहा है। 60 के साथ आपको इसमें 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर और 2000 स्क्वायर मीटर के साइज़ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, जो स्कीम पहले हम सुनते आ रहे थे कि स्कीम आएगी उसमें आपके जो साइज़ आएंगे वो 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के होंगे, मगर यहाँ पे सभी को तोहफा दिया है यमुना प्राधिकरण ने और हर वर्ग के लिए, छोटे वर्ग के प्लॉट्स या बड़े वर्ग के प्लॉट, आप किसी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ये सेक्टर हैं, सेक्टर भी जो उन्होंने क्लियर कर दिया है, सेक्टर आपका 16 भी रहेगा, सेक्टर आपका 17 भी रहेगा, सेक्टर आपका 18, 20, 22, इन सभी सेक्टर के अंदर ये प्लॉटों की स्कीम निकाली गई है। और ये आप जो अपना आवेदन अगर भरना चाहते हैं तो यमुना प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भर सकते हैं, चाहे आप निवेश डॉट मित्रा से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यमुना प्राधिकरण की तरफ से एक और चीज़ स्पष्ट करी यमुना प्राधिकरण की तरफ से एक और चीज़ स्पष्ट करी गई है कि अगर इस फॉर्म में आप जाते हैं, इन फॉर्मों को आप भरते हैं, तो फर्स्ट चांस जो आपकी एक मुश्त किस्त जो रहेगी, अगर आप 100% पेमेंट के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप एक मुश्त पे फर्स्ट जो एक मुश्त किस्त होगी आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी जो 50-50 की किस्त को लेगा, दो किस्त जो भरना चाहेगा उसके लिए, और जो 6 किस्त भरना चाहेगा उसके लिए थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसके अंदर। और जो अभी आप फॉर्म भरेंगे, मात्र 10% पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भरेंगे और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे ड्रॉ खेलने के लिए। और इसके अंदर जो पूरा समय और समय जो दिया गया यमुना प्राधिकरण की तरफ से, आज की तारीख है 7 सितंबर 2022 और ये स्कीम चलेगी आपकी जो 7 अक्टूबर 2022, और इसका जो ड्रॉ होगा वो 15 नवंबर 2022 को होगा यमुना प्राधिकरण के अंदर, जिसके अंदर हर चीज़ पूरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हर चीज़ से वो एडवर्टाइजमेंट पूरी कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वो ड्रॉ फ्लॉट्स वहाँ निकाला जाएगा। इसके अंदर जो आपको मैंने बताया कि अगर आप इस फॉर्म में आप जाते हैं और इन फॉर्मों को भरते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरी चीज़ की, कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस चीज़ों का ध्यान आपको इस फॉर्म में रखना होगा, कौन सी चीज़ आप मिस ना करें, कैसे आपको पेमेंट मोड करना होगा सिलेक्ट। इसमें आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, NEFT, RTGS, चाहे आप चलान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और इसमें कितने जो साइज़ मैंने आपको बताया उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स रहेंगे वो 120 वर्ग के जो प्लॉट हैं वो सबसे ज़्यादा यमुना प्राधिकरण ने निकाले हैं, और हर वर्ग के जो प्लॉट दिए हैं साइज़ के उसमें आपको अलग अलग साइज़ में आपको अलग अलग काउंटिंग मिलेगी और आप उनके अंदर भी अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा समय है यमुना प्राधिकरण में इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे अपने लिए आवासीय ज़मीन लेने के लिए। यहाँ पर अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे
कि भाई हम यमुना प्राधिकरण में जाएंगे और वहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपने लिए आशियाना लेंगे। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर पूरा लेआउट जो है उसमें भी आपको चिन्हित करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये प्लॉट्स निकल रहे हैं, क्योंकि जो सेक्टर 16 है उसका लेआउट जो बनेगा उसमें काफ़ी समय लगेगा, मगर वो पूरा एक लेआउट है जिसमें अभी कोई भी प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यमुना प्राधिकरण की तरफ से आ रहा है। और इसके साथ जो अदर साइज़ के जो प्लॉट देखने को मिलेंगे ऑलरेडी वो सेक्टर पूरे बने हुए हैं, जैसे सेक्टर 18, 20 और 22 डी जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। उसमें ये प्लॉट्स कहाँ पे होंगे वो चिन्हित करना काफ़ी मुश्किल होगा, मगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ डिस्क्राइब में कि फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा और क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखनी होगी वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके माध्यम से मैं आप तक पहुँचा दूंगा उस वीडियो को। और जल्दी इसके ऊपर भी हम 1 से 2 दिन के अंदर आपके एक नई वीडियो सेपरेट वीडियो अपडेट करेंगे अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के रिगार्डिंग जो नई स्कीम निकल रही है उसमें अगर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा। डे टू डे हम यहाँ पे जो भी गतिविधि हो रही है या जो भी नए अपडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था जो स्कीम आई हुई है यमुना प्राधिकरण की तरफ से 477 प्लॉट्स की, तो उसमें जो आपको सेक्टर 16 है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेक्टर 16 जो है आपको आप देखेंगे तो ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे जो यहाँ से ये जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे, ये यमुना एक्सप्रेसवे जो पूरा ये गया है। और इसके साथ ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ये येलो कलर पूरा जो है ये रेजिडेंशियल क्षेत्र है जिसमें अभी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 है ऑलरेडी, जिसमें प्लॉट्स अलॉट हो चुके हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये सेक्टर 17 है जो कि 130 मीटर का रोड जाता है यहाँ से ये जा रहा है, तो इस पर सेक्टर 17 जो पहले स्कीम यहाँ निकली थी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसके साथ सेक्टर, अगर आप 16 की बात करें तो सेक्टर 16 जो है आपका, अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये सेक्टर 16 है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जो ये देख रहे हैं हम, ये सेक्टर 16 है पूरा, ये सेक्टर 16 है पूरा जिसके अंदर ये नई प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है आपकी। आप सेक्टर 16 में जाएंगे, सेक्टर 17 जो है आपका वो सेक्टर 17 आपका, ये सेक्टर 17 है, सेक्टर 18 में आई है, सेक्टर 20, सेक्टर 22 डी जो यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में जो आप ये देख पा रहे हैं जो मैंने आपको दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे 22 डी आपके जो ये दिख रहा है आपको। 22 डी से अगर हम आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे जब हम आगे जाते हैं तो ये चलते हैं, अगर आप देखेंगे ये यमुना एक्सप्रेसवे अगर हम इस पर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे पूरा इंडस्ट्रियल आ जाता है, इंडस्ट्रियल है ये आप जो डार्क ब्लू कलर के से देख रहे हैं, इससे आगे आप देखेंगे तो ये एयरपोर्ट आ जाता है आपका, एयरपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ में इसके साथ आपको सेक्टर 21 जो है जहाँ भी मैंने रखा हुआ है, ये सेक्टर 21 फिल्म सिटी है आपकी जिसके अंदर प्रपोज फिल्म सिटी है। इसके साथ आप पैलर देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेस के साथ, मेट्रो प्रोजेक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जो एयरपोर्ट तक लाइन जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारी अभी आवासीय स्कीम आई हुई है यमुना अथॉरिटी के अंदर 477 प्लॉट्स की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 60 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300, 500, 1000 और 2000 के प्लॉट्स हैं। तो आज की जो वीडियो थी बस इसी जानकारी के लिए थी कि नई स्कीम जो यमुना प्राधिकरण से आने वाली थी वो यमुना प्राधिकरण ने लॉन्च कर दी है और उसके लिए 1 महीने का समय दिया है जिसमें आप अपना आवेदन भर पाएंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपना फॉर्म के लिए तैयारी करना चालू करें। और दूसरी चीज़ जो वेबसाइट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यमुना प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप निवेश.मित्रा से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो सारे प्लॉट्स हैं ये आपको यमुना प्राधिकरण की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त, जल्द लेके आएंगे एक नई वीडियो, पूरे फॉर्म की जानकारी उस वीडियो में आपको देंगे। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के किसी भी सेक्टर के बारे में अगर लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं ही समाप्त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ आपको। नमस्कार भाइयों।